शिक्षार्थियों राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में मैं राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक मदन साहनी आपका स्वागत करता हूँ हमारे आज का राजनीति विज्ञान का विषय है भारतीय संघीय व्यवस्था पिछले अध्यायों के अध्ययन से आप ये जान ही चुके होंगे कि भारत एक पूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो सभी आदर्श और मूल्य उल्लिखित हैं जिन्हें हम साकार करना चाहते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपने नागरिकों के लिए प्रदान करना चाहते हैं भारतीय संविधान इस विश्व का एक बहुत बड़ा संविधान है लिखित संविधान है और इस संविधान के लिखित होने का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि सरकार को अपनी सीमाओं का अपनी शक्तियों का और सभी संस्थाओं को जो इस शासन में काम कर रही हैं अपनी शक्तियों और सीमाओं का ज्ञान रहता है कि भारतीय संविधान बहुत व्यापक और लिखित संविधान है दूसरी बात भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं अधिकारों से प्रत्येक नागरिक का विकास होता है उसमें एक विश्वास बनता है और वो आगे बढ़ने के लिए उसको अवसर प्राप्त होते हैं इसी प्रकार से राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश किया है और इस देश में एकीकृत न्याय प्रणाली है एकल एकीकृत न्याय प्रणाली अर्थात पूरे देश में जो न्याय प्रणाली है वो एकीकृत है सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है उसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय हैं और फिर है, जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं जिला न्यायालय हैं सत्र न्यायालय हैं लेकिन सभी का नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है और यह हायर्की जो है न्यायालयों की वो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है तो भारत की जो न्याय प्रणाली है और उसमें जो न्यायालयों की हायर है उस पर नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय का है सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय उसके बाद राज्यों में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि कुछ दो या तीन राज्यों को मिलाकर भी उनका एक उच्च न्यायालय हो सकता है ऐसा असम में है जहाँ पर विभिन्न राज्यों की एक उच्च न्यायालय है हरियाणा में और पंजाब का भी एक ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है तो प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होना अनिवार्य है लेकिन वो कुछ राज्यों के लिए एक निश्चित हो सकता है और उसके बाद प्रत्येक ज़िले में सत्र न्यायालय होता है ज़िला न्यायालय होता है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं तो एकीकृत न्याय प्रणाली इस देश की न्याय प्रथा का न्याय प्रणाली का एक विशेष अंग है और इसी प्रकार से भारत में सभी नागरिकों को सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार दिया गया है अर्थात देश का प्रत्येक वह नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है वो मतदान में भाग लेकर सरकार में प्रतिनिधि चुनने में अपना योगदान दे सकता है इसके बाद संसदीय व्यवस्था में भारत में संसद के दो सदन हैं एक लोकसभा और एक राज्यसभा लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं पूरे देश को संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है वहाँ से नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा के लिए भेजते हैं और दूसरा सदन है जिसे उच्च सदन भी कहते हैं राज्यसभा और राज्यसभा में राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं यहाँ राज्यों से प्रतिनिधि चुनने का अर्थ ये है कि विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित करते हैं और वो राज्य का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं इस प्रकार से दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद बनती है और इस देश के लिए सारे कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं तो ये एक हमारे देश के लोकतंत्र की विशेषता है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर भाग लेते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं इसके साथ ही हमारे संविधान में जिस व्यवस्था को शासन के लिए स्वीकार किया है वह संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था से जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि कोई संघ बना है देखिए यहां यह समझने वाली बात है कि भारत 28 राज्यों और सात केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संघ है भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में दर्ज है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स बड़ा स्पष्ट है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है भारत की संघीय व्यवस्था भारत को एकता प्रदान करती है भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों को क्षेत्रों को एकता प्रदान करती है दूसरी बात यहाँ जो उल्लेख करना चाहूँगा जहाँ पर भी संघीय व्यवस्था होती है किसी भी देश में हो अमेरिका में हो भारत में हो पाकिस्तान में हो कहीं पर भी हो संघीय व्यवस्था में शासन के दो स्तर होना अनिवार्य है एक स्तर संघीय स्तर अर्थात जहाँ शासन पूरे देश के लिए केंद्रीय सरकार के रूप में चलाया जाता है भारत में केंद्रीय सरकार दिल्ली में है और यह संघीय सरकार कहलाती है और दूसरा राज्य सरकार है भारत में 28 राज्य हैं सभी राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं सभी का अपना मुख्यमंत्री है विधायिका है तो वो जो दूसरा स्तर है उसको हम राज्य सरकार का स्तर कहते हैं और भारत में तो अब तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधन के बाद सरकार का एक तीसरा स्तर और जुड़ गया है जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट अर्थात गांवों में ग्राम पंचायत हैं नगरों में नगर पालिकाएँ हैं बड़े नगरों में नगर निगम हैं कहीं ब्लॉक समिति जिला परिषद ये सभी स्थानीय सरकार के ही अंग हैं तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें सरकार के तीन स्तर हैं संघीय स्तर एक राज्य स्तर और स्थानीय स्तर तो किसी भी संघीय सरकार की पहचान का पहला बिंदु ये है कि वह संघ होता है विभिन्न इकाइयों का जैसा कि भारत 28 राज्यों और सात केंद्र शासित क्षेत्रों का संघ है दूसरी पहचान का बिंदु यह है कि यहाँ कम से कम सरकार के दो स्तर होते हैं कम से कम कहा है मैंने अधिकतम और भी हो सकते हैं जैसे भारत में ये तीन स्तर हैं इसके बाद संघीय व्यवस्था का एक और लक्षण है कि संविधान लिखित होता है लिखित संविधान से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि सभी इकाइयों को और संघ को भी अपनी शक्तियों का और अपनी सीमाओं का पूर्व ज्ञान रहता है और उस संविधान के अनुसार जो भी उचित होता है उसी के बीच रहकर ही दोनों सरकारें अपना काम करती हैं और फिर संविधान को थोड़ा जटिल बनाया जाता है संशोधन करना कठिन बनाया जाता है क्यों इसलिए कि यदि संघीय सरकार संविधान को आसानी से संशोधित कर पाए और जब चाहे तब संशोधित करना चाहे और कर ले तो फिर राज्य सरकारों की जो अलग सरकार होने की बात है वो बेमायनी हो जाती है दूसरा स्तर जो राज्य स्तर है उसको महत्व देने के लिए और उसको संघीय व्यवस्था में जो स्थान प्राप्त है उसके अनुसार शक्तियाँ देने के लिए ये ज़रूरी है कि संविधान में जो संशोधन है वो करना बहुत सरल नहीं होना चाहिए जटिल होना चाहिए और भारत में संविधान संशोधन को जटिल व्यवस्था के रूप में बनाया गया है मैं यहाँ पुनः आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से की गई है कि सदन के कुल सदस्यों का जो बहुमत है उसका समर्थन प्राप्त होना तो अनिवार्य है लेकिन इसके साथ साथ उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनका दो तिहाई बहुमत भी होना चाहिए मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि यदि 545 सदस्य हैं हमारी लोकसभा के वर्तमान में तो दो का तो समर्थन होना अनिवार्य है इससे कम पर तो संविधान संशोधन स्वीकार ही नहीं हो सकता लेकिन यदि 500 लोग मतदान में भाग ले रहे हैं तो 500 का दो तिहाई अर्थात लगभग लगभग 333 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए 333 या चौंतीस सदस्यों का समर्थन नहीं होगा अगर 500 लोग भाग ले रहे हो तो दो का समर्थन फिर बेमायनी होगा यह बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए आपके दिमाग में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत में संविधान संशोधन की व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे लोकसभा जब चाहे या संसद जब चाहे संविधान संशोधन ना कर सके तो क्या व्यवस्था है कि कुल सदस्यों का आधे से ज़्यादा का समर्थन और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई का समर्थन होना अनिवार्य है अगर ऐसा होता है तभी संविधान संशोधन होता है और कुछ संशोधनों को इससे और भी जटिल बनाया गया है जो संशोधन राज्यों को प्रभावित करते हैं वहाँ ये समर्थन जुटा लेने के बाद आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी प्राप्त करना होता है आधे से अधिक का मतलब 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्यों का समर्थन और प्राप्त करना होगा अर्थात यदि राज्य भी समर्थन नहीं देते तो संविधान संशोधन नहीं हो पाता तो इस प्रकार से भारतीय संघीय व्यवस्था की ये दो बातें मैंने आपको बताई है, हैं कि संविधान हमारे यहाँ लिखित है और उसको जटिल बनाया गया है ताकि संघीय सरकार मनमानी ना कर सके और राज्य सरकारों की जो स्वायत्तता है जो उनको स्वतंत्रता प्राप्त है जो अपने लिए शासन और कानून बनाने का अधिकार है उनके पास उस दखल दखलंदाजी ना हो सके इस पर यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो आप टोल फ्री नंबर जो स्क्रॉल किया जा रहा है उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं यथा संभव हम आपकी समस्या और आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे आपका स्वागत रहेगा शिक्षार्थियों संघीय व्यवस्था के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम अब तक दो बातें जान चुके हैं कि संघीय व्यवस्था में सरकार के कम से कम दो स्तर होते हैं संविधान लिखित होता है और उसमें संशोधन करना थोड़ा जटिल होता है अब एक तीसरा लक्षण जो संघीय सरकार का है और जो अनिवार्य लक्षण है वो ये है कि संघ और केंद्र संघीय सरकार जिसे केंद्रीय सरकार कहते हैं और राज्य सरकारें इनमें कार्यों का वितरण होना चाहिए और भारतीय संविधान में तीन सूचियां सातवीं अनुसूची में दर्ज की गई हैं जो शक्तियों का दरअसल वितरण है एक सूची है संघीय सूची संघीय सूची में सत्तानवे विषय हैं और ये वो सूची है जिस पर संघीय सरकार कानून बना सकती है पूरे देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए और संघीय सरकार इन विषयों पर यदि आवश्यक हो और कहीं किसी क्षेत्र में या पूरे देश में कर लगाना तो कर भी लगा सकती है दूसरी सूची राज्य सूची है राज्य सूची में वो विषय हैं जिस पर राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती हैं और तीसरी सूची समवर्ती सूची है समवर्ती सूची में जो विषय हैं उस पर संघीय सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है लेकिन यदि किसी भी स्थिति में दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो कोई तनाव पैदा हो तो संघीय सरकार का, का कानून ही मान्य होगा राज्य सरकार का, का कानून तब मान्य नहीं होगा इसके अतिरिक्त जो बाकी विषय भविष्य में कभी सामने आए या कहीं इन तीनों सूचियों में दर्ज होने से रह गए हों उन पर भी कानून बनाने का अधिकार मात्र संसद को है संघीय सरकार को है राज्य सरकारों को नहीं है अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि किन किन विषयों पर केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार कानून बना सकती है इसमें सत्तानवे विषय मैंने बताए लेकिन मूल रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो रक्षा डाकतार रेलवे संचार विदेश संबंध ये सारे ऐसे विषय हैं इसके अलावा और बहुत से विषय जिन पर संघीय सरकार कानून बनाती है वस्तुतः ये वो विषय हैं जो पूरे देश को एक साथ प्रभावित करते हैं और जिनका पूरे देश के नागरिकों के साथ संबंध होता है तो यहाँ संघीय सरकार को ही अधिकार प्राप्त है कि वो कानून बनाए और वो कानून पूरे देश पर लागू होते हैं और कभी कभी ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है कि पूरे देश के नागरिकों के नहीं बल्कि किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए बनाए जाए तो भी इन विषयों पर अगर कानून बनेगा तो संघीय सरकार ही बनाएगी और वो एक विशेष क्षेत्र में भी लागू किए जा सकते हैं राज्य सरकार में कौन से विषय हैं राज्य सरकार में जो राज्य से संबंधित विषय हैं जैसे पुलिस जेल सिंचाई कृषि ये ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है और एक राज्य सरकार के कानून दूसरी राज्य सरकार के कानून से अलग भी हो सकते हैं राज्य को भी अधिकार है कि वह कानून पूरे राज्य के लिए बनाए या फिर अपने राज्य के किसी एक क्षेत्र के लिए बनाए यह आवश्यक नहीं है कि सभी कानून राज्य के सभी नागरिकों पर लागू किए जाएं हो सकता है किसी एक विशेष क्षेत्र की विशेष आवश्यकता हो तो उस क्षेत्र के लिए भी कानून राज्य सरकार इन विषयों पर जो कि गिनती में सिक्सटी सिक्स छियासठ हैं कानून बना सकती है राज्य सरकार इसके बाद समर्थी सूची में सैंतालीस विषय हैं ट्रेड यूनियन का विषय जैसे बिजली का विषय है इन पर दोनों ही राज्य सरकार भी कानून बना सकती है संघीय सरकार भी बना सकती है और जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया कि यदि कानून ऐसा बन जाता है कि दोनों में आपस में टकराव पैदा होता है या किसी प्रकार का कोई संदेह पैदा होता है तो उस स्थिति में संघीय सरकार द्वारा बनाया गया कानून वैध होगा वही मान्य होगा और राज्य सरकार का कानून फिर मान्य नहीं होगा इसके अतिरिक्त बहुत से विषय हैं जो उस समय जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया न तो उनकी आवश्यकता थी और न वहन में थे जैसे सॉफ्टवेयर का मामला है आज प्रगति के हिसाब से हो सकता है कल को ग्रहों की बात चले ग्रहों पर आवास की बात चले यात्राओं की बात चले ऐसे जितने नए विषय सामने आएंगे या ऐसे विषय जो छूट गए हों तीनों सूचियों में से संघीय सूची राज्य सूची समर्थि सूची में विषय शामिल ना हो और अब वो विषय सामने आता है तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मात्र संसद को है अर्थात संघीय सरकार को है क्योंकि संसद ही वो विधायिका है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है तो कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का समुचित वितरण किया गया है राज्यों में भी और संघ के पास कौन से अधिकार होंगे उनका भी इसी प्रकार से अब जब तिहत्तरवां और चौहत्तरवा संशोधन हो गया तो स्थानीय सरकारों को भी कुछ विषय स्थानांतरित कर दिए गए हैं लेकिन वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत विषय स्थानांतरित हो चुके हैं तो इस प्रकार से संघीय व्यवस्था का एक और जो बड़ा लक्षण है कि शक्तियों का वितरण कार्यों का वितरण होता है वो भारतीय संविधान ने बड़े संविधान निर्माताओं ने अपने समय में ही तीन सूचियां बनाकर बड़े ढंग से और आने वाली जो स्थितियां थी आने वाले वक्त की जो मांग थी उसको भी ध्यान में रखकर पहले से एक सूची ऐसी बना दी गई कि जो इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघीय सरकार को होगा अब तक संविधान संघीय व्यवस्था के बारे में जो कहता है उसके हमने तीन लक्षणों का अध्ययन किया है संविधान लिखित थोड़ा जटिल ताकि संविधान संशोधन आसानी से ना किया जा सके और कार्य वितरण या शक्तियों का वितरण तीन सूचियों के माध्यम से संघीय सूची राज्य सूची और समर्थि सूची और एक चौथा लक्षण जो है वो ये है कि भारत में न्यायपालिका को सर्वोच्च और स्वतंत्र रखा गया है न्यायपालिका को सर्वोच्च और स्वतंत्र रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार न्यायपालिका को है सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो ये सारे तत्व जो हैं ये संघात्मक तत्व हैं कि वो भारत राज्यों का संघ है लिखित संविधान है संविधान संशोधन करना जटिल है और इसमें कार्यों का या शक्तियों का वितरण किया गया है अब मैं दूसरी ओर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम दुनिया के अन्य फेडरल सिस्टम्स को देखें तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो उनसे काफ़ी रूप से भिन्न है हमारे फेडरल सिस्टम में जो हमारी संघीय व्यवस्था कहलाती है क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है ये बड़ा उल्लेखनीय है इसको आप अंडरलाइन करें कि भारत की जो संविधान में है उसमें फेडरल शब्द या फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है वहाँ मैंने जैसे पहले कहा कि पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स यहाँ संघ का इस्तेमाल किया गया है भारत राज्यों का संघ है भारत में सभी नागरिकों को भले वो किसी भी राज्य में रहते हों एक नागरिकता प्राप्त है अर्थात वो सभी भारतीय हैं दूसरे देशों में ऐसा नहीं है जहां संघीय व्यवस्था है वह दोहरी नागरिकता होती है एक नागरिकता संघ की और एक नागरिकता उस राज्य की जिस राज्य में वो रहते हैं इस प्रकार से भारत में एक ये अलग एकात्मकता की ओर ले जाने वाला लक्षण है एकात्मकता शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं क्या अर्थ है इसका एकात्मक वो राज्य होते हैं जहां सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं अब तक हम संघात्मक की बात कर रहे थे भारत में संघीय व्यवस्था है जब संघीय व्यवस्था है तो यहाँ एकात्मकता का लक्षण नहीं होना चाहिए लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता है कि ये संघीय व्यवस्था होते हुए भी इसकी जो आत्मा है इसका जो रुझान है वो एकात्मकता की ओर है क्योंकि हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं तो पहली बात जो मैंने कही कि यहाँ एकहरी नागरिकता प्राप्त है सभी नागरिकों को दूसरी बात जो पहले हम कह चुके कि संघ में जो भी सदस्य हैं जो भी इकाइयां हैं उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है तीसरी बात राज्यों को अपनी सरकार है अपनी सरकार के द्वारा कानून बनाने का अधिकार है लेकिन आपातकाल में या विशेष स्थितियों में यदि किसी राज्य में अनुच्छेद तीन के अंतर्गत आपातकाल घोषित किया जाता है और वहाँ की सरकार को भंग कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के जितने भी कानून हैं उसको बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है कहने का अभिप्राय ये है कि तब राज्य सीधे सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में आ जाता है इसी प्रकार से बहुत सी स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जब राज्य सरकार स्वयं कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निवेदन कर सकती है और केंद्र सरकार उन पर कानून बना सकती है तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि राज्य सरकार या तो अपनी ओर से या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य विशेष के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्रीय सरकार की शक्ति राज्य सरकार की तुलना में कहीं ज़्यादा है अब इसी में तीसरा लक्षण एक और आप देखेंगे जो हमारी संविधान में इस संघीय व्यवस्था को एकात्मकता की ओर ले जाता है वो ये है कि सभी राज्यों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी काम करते हैं जिन्हें आप आई ऑफिसर्स कहते हैं जो जिले का मुखिया होता है प्रशासन का मुखिया होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं उसे आई का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक अधिकारी तो इन सभी अधिकारियों के माध्यम से केंद्र अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ शासन करता है एक यह और विशेष उल्लेखनीय बात है कि सभी राज्यों में जो सरकार का मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है और राज्यपाल भी केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया होता है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं और जब तीन अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब गवर्नर का राज नहीं होता वहाँ पर राज्यपाल का राज नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति का राज्य होता है और राष्ट्रपति जिस निर्देश को राज्यपाल को देता है राज्यपाल उन निर्देशों के अनुसार वहाँ पर सरकार को चलाता है तो यहाँ पर भी एक ये बड़ा लक्षण है एकात्मकता का कि राज्य सरकार की जितने भी अधिकार हैं वो सारे केंद्र को स्थानांतरित हो जाते हैं जब अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के अंतर्गत या विशेष परिस्थितियों में जब सरकार को भंग कर दिया जाता है इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को केंद्र सरकार बहुत सी चीज़ों के लिए निर्देश दे सकती है जैसे सेना का कहीं पर कुछ काम चल रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं रेलवे का कार्य चल रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं संचार का या राजमार्गों का उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए भी और कुछ अन्य उनसे आवश्यक जुड़े हुए कार्यों के लिए भी केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि केंद्रीय सरकार के निर्देशों को मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक है ये व्यवस्था ऐसी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय और सद्भाव बना रहे और दोनों मिलजुल कर इस देश के लिए काम करते रहे तीसरी बात मैं जो यहाँ जोड़ना चाहूँगा वो ये कि न्याय व्यवस्था भी हमारी इस प्रकार है कि वो एकीकृत है किसी राज्य के पास अपना स्वतंत्र न्याय प्रणाली नहीं है बल्कि न्याय प्रणाली पूरे देश के लिए एक है और ये बात भी इस और इंगित करती है इस और इशारा करती है कि भारत में एकात्मक तत्व जो है वो ज़्यादा है तो यहाँ इन सब बातों को यदि हम देखें और इन्हें हम दोबारा से दोहराएं तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था विश्व की अन्य संघीय व्यवस्थाओं से अलग है अनूठी है इसमें संघीय सारे तत्व हैं लिखित संविधान है शक्तियों का वितरण है संविधान संशोधन करना जटिल है और न्याय प्रणाली सर्वोच्च है इस सब संघीय तत्वों के बावजूद यहाँ पर एक नागरिकता है यहाँ पर राज्यों के जो मुखिया प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत केंद्रीय सरकार भेजती है प्रत्येक राज्य में सरकार के मुखिया अर्थात राज्यपाल को केंद्रीय सरकार अर्थात राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और जो न्याय प्रणाली है वो सर्वोच्च न्यायालय संचालित है उसके निर्देशों के पालन के अनुसार ही सभी अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं तो ये वो तत्व हैं हरी नागरिकता जो ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है उसमें संघीय व्यवस्था के सभी लक्षण हैं लेकिन संघीय व्यवस्था के लक्षण होने के बावजूद भी उसमें कुछ एकात्मकता के लक्षण हैं जो उसे विलक्षण बनाते हैं दूसरी व्यवस्थाओं से थोड़ा सा अलग करते हैं केंद्र के पास आपने देखा कि विधायी शक्तियां अधिक हैं विधाई शक्तियां अर्थात कानून बनाने की ताकत क्योंकि तीन सूचियां हैं संघीय सूची राज्य सूची समवर्ती सूची इनमें से दो सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है समवर्ती सूची पर यद्यपि राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं लेकिन यदि टकराव की स्थिति हो तो कानून माना जाता है केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है तो कहने का अर्थ ये हुआ कि केवल राज्य सूची ही बचती है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती हैं लेकिन उनमें भी या तो विशेष परिस्थिति में केंद्रीय सरकार दखल देना चाहे अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के अंतर्गत आपातकाल घोषित हो जाए या राज्य सरकार स्वयं निवेदन करे केंद्र सरकार को कि कुछ विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाए तो वो अधिकार भी केंद्र को स्थानांतरित हो जाता है अभिप्राय ये हुआ कि उन विषयों में से भी कुछ विषयों पर कुछ स्थितियों में पूर्ण रूप से और कुछ विषयों में आंशिक रूप से अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है तो विधायी अगर हम संबंध देखते हैं तो इन विधाई संबंधों में केंद्रीय सरकार अधिक मजबूत दिखाई देती है उसके पास अधिक अधिकार दिखाई देते हैं अधिक शक्तियां दिखाई दे दूसरा संबंध जो है वो वित्तीय संबंध है वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा करें तो संसाधनों के रूप में सबसे अधिक केंद्रीय सरकार के पास संसाधन है राज्य सरकारों के पास उतने संसाधन नहीं है इसीलिए क्योंकि जब कभी योजना पर या विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है तो केंद्रीय सरकार ही राज्य सरकारों की सहायता करती है तो उस दृष्टि से भी एकात्मकता एक, एक बड़ा भारी तत्व दिखाई देता है कि केंद्रीय सरकार के पास वित्तीय शक्तियाँ और वित्तीय संसाधन अधिक हैं इसके बाद यदि हम देखें केंद्र और राज्यों के बीच में एक प्रशासनिक संबंध है प्रशासनिक संबंध राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार का दखल है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है राज्यपाल या यूं कहते हैं केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल राज्य में शासन करता है इसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं के जितने भी अधिकारी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वो भी केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो वो भी प्रशासनिक रूप से जिला के मुखिया होते हैं तो उनके माध्यम से भी केंद्र सरकार का प्रशासनिक इकाइयों पर काफी नियंत्रण होता है तो ये तीन जो संबंध हैं वित्तीय संबंध प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध इन तीनों संबंधों में भी केंद्र सरकार को अधिक संसाधन और अधिक अधिकार प्राप्त है तो इस प्रकार से यदि हम देखें भारतीय संघीय व्यवस्था में सभी संघीय तत्व होने के बावजूद संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मकता की ओर भी रुझान है झुकाव है और इससे इस देश को कोई नुकसान नहीं है प्रिय शिक्षार्थियों जो आज मैंने विषय आपके साथ चर्चा किए हैं भारतीय संघीय व्यवस्था इस पर यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो आप टोल फ्री नंबर जो स्क्रोल किया जा रहा है उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं यथासंभव हम आपकी समस्या और आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे आपका स्वागत रहेगा